गुड मॉर्निंग बेटा, टुडे वी विल डू मिक्स क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स. सो वी हैव रिटन फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. स्टार्ट दिस क्वेश्चन. यू हैव टू आइडेंटिफाई द रैशनल और इरैशनल नंबर. जयदेव आ जाओ. स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसे मत लिखो. स्क्वेयर रूट ऑफ 4 सीधा 2 होता है. ऊपर वाला रब करो. कंफ्यूजिंग है वो. उसको रब करो. स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2. 2 दैट इज रैशनल नंबर. पहले रूट में इसकी कटिंग करो. पहले ही कटिंग कर दो बच्चे रूट में. हाँ जी, रूट के अंदर कटिंग कर दो. क्या आएगा? थोड़ा साइड होके लिखो. हाँ, इधर नहीं, उस तरफ. हाँ जी. अब ये क्यों लिखते हो? रूट में लिखो उसे. उसे रूट में लिखो. नहीं हटेगा ना. उसे रूट में लिखो. ये क्या है, रैशनल की इरैशनल? नेक्स्ट करो. लिख दो आंसर. आंसर लिखो ना बच्चे. पहले आंसर क्या आएगा? इरेशनल थोड़ी है ये. पहले सॉल्व करो. ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया? पहले सॉल्व करो इसे. सॉल्व किए बिना डिसाइड नहीं करना कि रैशनल है या इरैशनल. जाओ. थर्ड पार्ट सॉल्व करो. रिमूव डेसिमल, पुट टू जीरोस इन द डिनोमिनेटर, देन मेक फैक्टर्स ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. इफ यू कैंसिल इट आउट, आंसर इज 6/5. यू कैन राइट इट इन डेसिमल एज वेल एज यू कैन राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म. सो दैट विल बी अ रैशनल नंबर.
क्लियर है? रैशनल है, इरैशनल है, क्या है? जितना सॉल्व हो सकता है आंसर बताना। चलो आओ नेक्स्ट पार्ट। ब्रिजेश, क्यों डिस्कस क्यों कर रही है? एग्जाम में डिस्कशन होनी है, ग्रुप डिस्कशन है। बस 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 ऐसी कटिंग होती है, वैसे तो कटिंग कर दो थोड़ी सी, जितनी होती है कर दो। चलो तो आंसर ऊपर लिख दो साइड पे, और फिर नेक्स्ट पार्ट करो। आंसर ऊपर लिख दो, क्या आएगा शॉर्ट में लिख दो। रैशनल है कि इरैशनल बेटे, ये लिखो। चलो नेक्स्ट पार्ट कर दो। सीधा ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, इतनी स्पेस नहीं है ना फिर। सीधा लिख दो रैशनल, थोड़ा साइड होके लिख। क्लियर है ये? डोंट डिसाइड वेदर द नंबर इज रैशनल और इरैशनल विदाउट सॉल्विंग, ठीक है? इट कैन बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 0.38 बार प्लस 1.27 बार इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ जी बिल्कुल, इसे सॉल्व करना है। आशना आ जाओ। सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड एड देयर आंसर्स। That will give you the combined P by Q form. First part start कर दो, start कर दो solve करना। सॉल्व इट, हरी अप, सॉल्व करो सब अपने आप।
हाँ माइनस कर दो, हाँ वन माइनस टू कर दो माइनस, जैसे इसका आंसर आ गया ना ये, ठीक है बाकी रब कर दो, ये आंसर चाहिए आपको, ठीक है ये आंसर लिख लो साइड पे और बाकी ये इसको सॉल्व कर दो। अब इसका आंसर फाइंड कर लो। अब आपने इसको भी एक्स लिया था उसको भी, ठीक है वैसे वाई लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं एनसीक्यू वाला चल जाएगा, बट वैसे एक को अगर एक्स लिया है तो लेट अनदर नंबर बी वाई, ठीक है एक्स ही मतलब सेम कैसे हो सकता है, चलो कोई बात नहीं अभी कर दिया तो रफ नहीं कर रहे हो आप लेकिन वैसे वाई लेना चाहिए। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू गेट द आंसर ऑफ दिस। हाँ जी एलसीएम लेके दो, बस फाइव लिख दो बाकी जीरो जीरो ही आएंगे सारे, जीरो हटा दो ऊपर वाला। हाँ चलो बाई क्या आ जाएगा, सीधा आंसर लिखो क्या आएगा, कटिंग कर दो, करनी है तो आपकी मर्जी है नहीं करनी तो कोई बात, ऐड कर दो दोनों के आंसर। ये आ रहा है 115/90, एलसीएम ले लो। हाँ जी ये रिजल्ट ना लर्न कर लो, पेपर में सॉल्व करना थोड़ी आएगा, ये लर्न कर लो कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसका हाफ होता है, ये लर्न कर लो। ये जो रिजल्ट है ना बच्चे ये देखो लाइंस एंड एंगल का 6.3 का लास्ट क्वेश्चन जिसमें ये शो करना है कि ये जो, एक मिनट मैं यहाँ फिगर बनाती हूँ, जिसमें ये शो करना है कि ये वाला एंगल इसके हाफ के इक्वल है। अब ये एंगल आपने प्रूफ थोड़ी करना है क्योंकि आपको तो एमसीक्यू आएगा, तो आप याद रख लो कि जब भी किसी एंगल्स के बाइसेक्टर मिलते हैं तो ये वाला एंगल जो होता है वो इसका हाफ होता है, आप इसे यूज कर सकते हो। जो ऊपर वाला एंगल टी फॉर्म हो रहा है, जो टी होता है ये इसका हाफ होता है, वो वाला एंगल जो है ये वाला जो बाइसेक्टर से फॉर्म हो रहा है, ये बाइसेक्टर है ना दो, जो बाइसेक्टर से एंगल फॉर्म हो रहा है वो इस वाले एंगल का हाफ होगा। T is equal to half of that. T जो है हाफ है उस वाले का। T is equal to half of P. ये T है, ये P है, तो एंगल T जो है वो हाफ ऑफ P है। इसका हाफ नहीं करना, जो बाइसेक्टर वाले एंगल बन रहा है ना T, वो इसका हाफ है। अगर ये 90 है तो ये 45, ये 60 है तो ये 30। किधर वाला बाइसेक्टर ले ले दिया, ऐसे ही होगा वही तो लगा इसके अंदर, लेकिन एंगल निकालना आ जाए तो जैसे मर्जी निकाल दो। वैसे बता रही हूँ डायरेक्ट यूज करना हो तो कर सकते हो, वैसे तो जिस मर्जी मेथड से करो एंगल ही निकालना है, वैसे लर्न भी कर सकते हो रिजल्ट। हाँ बाय टेकिंग एलसीएम, बच्चे आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं इनके आंसर बता देती हूँ आपको, ये सारे कर लो। एलसीएम क्या आ रहा है, आपने एलसीएम गलत नहीं लिया, अच्छा आपने कटिंग करी है 115/90 की, कितना आ रहा है आपका एलसीएम, चलो आप करो 276 आएगा ऊपर, 76 प्लस इसको डिवाइड कर लो 11 आएगा, 11 23 इंटू 11, मैंने इजी मेथड बताया हुआ है,
ये देखो इधर बताया है, तो वही 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप करके देख रहे हो। ये नंबर सेम, ये सेम, दोनों का सम 253, और लिखो 253 प्लस कर दो। अगर आपने कटिंग ठीक की है तो आंसर ठीक आएगा, और कटिंग ठीक नहीं की तो आंसर विल बी रॉन्ग। अरे वर्बली ऐड किया करो, ऐसे तो कभी कैलकुलेशन ही नहीं आनी आपको, ऐसे तो स्लो स्लो लगे रहोगे। कटिंग देख लो होती है और नहीं होती। क्या आ रहा है आंसर, एक मिनट रुको, हैं यही आ रहा है, ठीक है यही है बच्चे आंसर, 329/198। अगर आपने स्टार्टिंग में कटिंग नहीं की तो एलसीएम लेने के बाद कटिंग हो जाएगी, आंसर विल बी सेम। डन, सौम्या आ जाओ, हरी अप हरी अप। ये रब करो, ये भी रब करो जो मैंने लिखा है, कैल्सियम भी रब करो। स्टार्ट करो थर्ड को। क्या जतिन, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पूछना, अपने आप चेक करो अपना आंसर, सॉल्व करने के बाद उसे रीचेक कर लो अपने आप। नेक्स्ट मगन, आपकी टर्न है। डिवाइड करो इसे, रूट को रूट के साथ, सिंपल नंबर को सिंपल के साथ। कटिंग करो, रूट नाइन क्या होता है? रूट नाइन क्या होता है? तो बार भी थ्री है, एक पार्ट और करो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है ये क्लियर है। फिफ्थ करना आप, फिफ्थ से कोई बात ही, वही तो करना है, कटिंग ही करनी है क्या? बहुत तो क्या है, रूट वाले सॉल्व कर दो कटिंग करके, कटिंग करके जो बच रहा है उसको लिख दो क्या आ रहा है। एग्जाम आ गए हैं, मुझसे पूछना नहीं है कैसे करना है, कितनी प्रैक्टिस कर ली अभी भी नहीं पता, फिर एग्जाम में क्या करना है आपने? कोई चैप्टर नहीं है जिसके सम्स ना किए हों एक्स्ट्रा। टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सीधे सीधे आंसर लिखो, रूट फाइव का स्क्वायर। सीधा आंसर लिखो, मैंने कहा आपको क्या आएगा, क्या आएगा? आप बताओ ये ठीक है जो ये लिख रही है जसलीन, ठीक लिखा है उसने? ऐड नहीं होते क्यों? वो कांस्टेंट है, वो रूट में है, ऐड नहीं होते, किसने ऐड किया? सच बोलना, प्लस किया जी आपने, इन दोनों को प्लस किया? हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहती है हैरानी से देख रही थी, ऐड नहीं हो सकते। चलो जाओ, चलो है, मुझे क्या पता, आप बताओ, ठीक है होगा फिर, आपने नहीं आना, ये ऐसे वहां से रीडिंग करके थोड़ी आ जाना यहाँ पे,
सेवेंथ क्वेश्चन करो स्टार्ट। मैं मुझे नहीं पता, सेवेंथ स्टार्ट करो, ऐसे नहीं होना, रब करो, आता है क्यों नहीं आता। हाँ जी, मुझे मुझसे नहीं पूछना, अपने आप करो जो करना, जो समझ में आता है करो अपने आप। एग्जाम में भी तो करोगे ही, जैसे मर्जी सॉल्व करो, अपने आप करोगे ना, चाहे रॉन्ग है, जैसे मर्जी करोगे, करो अपने आप करो। हाँ जी बोलो तितिक्षा। अगर नहीं करना सीट पे चले जाओ। वन बाय ए निकालो, क्या आता नहीं, ए गिवन है, वन बाय ए निकालना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए गिवन है, वन बाय ए चाहिए, निकालो वन बाय ए क्या होता है, करना है सॉल्व वन बाय ए। मगर आ जाओ, ये क्वेश्चन करना है जो इसने लिखा है, वन बाय ए फाइंड करना है, और किसको, सिंगल नंबर को रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज तो करते ही तब है जब वो डिनोमिनेटर में होता है, जब वो डिनोमिनेटर में होगा तभी रैशनलाइज करोगे ना। रूट टू प्लस वन का, ये जो लिखा है रूट टू माइनस वन, ये इसका क्या है, रैशनलाइजिंग, एक और नेम भी तो होता है कॉन्जुगेट, रहने दो, शी विल डू। वर्बली करो, ये लिखना नहीं है, रब करके सीधा लिखो आंसर, इतनी प्रैक्टिस कर ली अब तो सीधा सीधा बताना चाहिए आपको। ये रब कर दो नीचे वाली लाइन, ये क्या है, ये माइनस कहाँ लगाया है, वन बाय ए की वैल्यू, साइन का ध्यान रखो, ए पुट कर दिया, बी वन बाय ए पुट कर दिया, बीच में माइनस का साइन है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, रूट टू और माइनस रूट टू नहीं पता चल रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा, अब कट करो, अब ये करो, अब स्क्वायर करो, क्यों खुद देखो क्या करना है, ये भी लिखने की जरूरत है, क्या आना चाहिए। हाँ जी क्या होता है, फिर अच्छे से रब करो, क्वेश्चन नंबर थ्री भी रब कर दो, फोर भी रब कर दो ऊपर से।
ये भी रब कर दो। हाँ सिक्स भी रब कर दो। चलो करो सॉल्व, सॉल्व करो। आपको एक बात बता दें, जब दो रूट दिए होते हैं कंबाइन करने के लिए उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे रूट टू इंटू रूट थ्री। आप सीधा रूट सिक्स लिख दो या एक मिनट साइड हो, या रूट के अंदर टू इंटू थ्री लिख दो, बात एक ही है। बात समझ आई? दो नंबर्स हैं सेपरेट रूट में है, दोनों को ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या एक ही बार कंबाइन भी कर सकते हो। अगर यही डिवाइड हो रहे हैं तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, दो रूट की बजाय यू कैन कंबाइन देम इन वन रूट। मल्टीप्लाई है तब भी इकट्ठे कर सकते हो, डिवाइड है तब भी, लेकिन प्लस नहीं कर सकते। प्लस कब होते हैं? जब लाइक टर्म होती है। माइनस भी तब होते हैं जब लाइक टर्म होती है, अदरवाइज नहीं होते। करो, अब आपकी मर्जी है, आप इकट्ठे करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, आंसर विल बी सेम। क्या करेंगे इसे? करो, शुक्र है ये नहीं कहा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करके भी तो फैक्टर ही करने हैं, उससे बेटर इसके ही फैक्टर कर दो। बस जैसे किसी से पूछो ना, हो गया, उनको यही नहीं पता हो भी गया। हो गया था जी, मैंने तो वैसे ही पूछा था, मैंने कहा देखूं और कुछ तो नहीं करते। जाओ, इसी पर चलता है कितने कंसेप्ट क्लियर हैं। चलो जसलीन, क्वेश्चन नंबर 8, ये सेंटर में रब करो, यहां करो। आपने कर लिया ये क्वेश्चन नंबर 8 सबने? ठीक है, ये करो फिर उसके बाद थोड़ा सा उधर करो करो करो। ये फोर टर्म्स हैं इकट्ठे, सिंप्लीफाई है। एक मिनट जस्टिन, साइड होना। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो न्यूमिनेटर में? न्यूमिनेटर देखना जरा एक बार ध्यान से, वो तो नीचे लगना है प्लस माइनस वाला, ऊपर वाला कौन सा है? हाँ जी, उस साइड वाला रब करके वहां स्टार्ट कर लो ऊपर। सेवेंटी फोर माइनस फोर्टी एट रूट थ्री अपॉन माइनस ट्वेल्व। अच्छा हाँ, एट्टी फोर, एट्टी माइनस, बस माइनस थ्री रूट थ्री डायरेक्टली कट कर दिया डिनोमिनेटर के साथ। कॉमन लेके कटिंग होनी है, थ्री रूट थ्री तो नहीं आ सकता,
डबल टर्म में आंसर आएगा, सिंगल टर्म तो आ ही नहीं सकती। कॉमन लेने के बाद कटिंग करनी है, सीधे कटिंग नहीं होनी, और डबल टर्म आंसर में आएगी, सिंगल टर्म तो हो ही नहीं सकता। क्या आ रहा है दिव्या आंसर? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये हो सकता है, अभी देखते हैं। फोर रूट थ्री का स्क्वेयर क्या आएगा? सीधा करो, फोर रूट थ्री का स्क्वेयर, फोर का स्क्वेयर रूट थ्री का स्क्वेयर, सिक्सटीन थ्री जा 48, और ऊपर माइनस है सेंटर में, ए माइनस बी होल स्क्वेयर। कहाँ कहाँ? न्यूमिनेटर देखो माइनस में, आपने प्लस में लिखा है ऊपर। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी तो लिखा ही नहीं, माइनस टू इंटू ए इंटू बी। एट्टी फोर लाओ साइड हो, बैल हो जाएगी तब तक, साइड हो जाओ। इन दोनों को प्लस किया 84, टू सिक्स जा 12, 12 फोर जा 48, रूट थ्री अपॉन माइनस 12। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लो न्यूमिनेटर में से। 12 सेवन जा 12 फोर जा अपॉन माइनस 12, ये कैंसिल, आंसर आ गया माइनस ऑफ सेवन माइनस फोर रूट थ्री, मीन्स माइनस सेवन प्लस फोर रूट थ्री, ये आंसर है माइनस सेवन प्लस फोर रूट थ्री। सॉल्व करो, हाँ उसका आंसर है फोर रूट फाइव प्लस फाइव रूट टू, फोर रूट फाइव प्लस फाइव रूट टू, इसका आंसर फोर रूट फाइव प्लस फाइव रूट टू।